हे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई विवेक और फिर से लेके आ गया एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें हम आज लेके आए हैं कांच हर्ट मी बुक की समरी, जो कि हिंदी में फुल्ली डिटेल के साथ आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सफ़र को डेविड गॉगिन्स की जीवनी पर आधारित कांच हर्ट मी समरी इन हिंदी। पढ़िए कैसे डेविड गॉगिन्स जीवन की बाधाओं से लड़कर US नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे हासिल करते हैं। डेविड गॉगिन्स कौन है जान लेते हैं। डेविड गॉगिन्स अमेरिका नेवी के सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील, जो कि ये सी एयर एंड लैंड चारों के लिए कार्य करती है, से रिटायर हुए हैं। वो US आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग द US आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें US का सबसे फिट आदमी भी माना गया है। हालांकि उन्हें हार्ट डिफीट भी था। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है। डेविड का बचपन। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता बहुत ही अब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉय हायर करने की जगह वे डेविड से काम लेते थे। उन्हें सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। रात को भी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत ही वायलेंट भी थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार डेविड की चोटें छुपाकर स्कूल जाना पड़ता था। रेसिज्म। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वह उसे लेकर इंडियाना चली गईं, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। जब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे, बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। ट्रूमा। अपने पिता के हाथ तो झेले अभिषेक के कारण डेविड को ट्रूमा के सिम्टम्स आने लगे। वह हकलाने लगे। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उनकी स्किन पर सफ़ेद चकते भी पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वह हीन भावना से पीड़ित हो गए और हमेशा दुखी रहते थे। मिलिट्री ड्रीम। एक बार डेविड को एयरफोर्स के एक रिक्वायर्टर मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैरा ट्रॉपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती थी और उन्हें पानी से फोबिया भी था। उसके इस सपने को और भी धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि उसमें स्किल सेल एनेमिया का भी टैड था। जॉब एस एक्सट्रीमिनोरेटर। डेविड ने एक जॉब कर ली जिससे उन्हें इंसेक्ट मारने होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच को नेट से हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए। वह देर तक उन्हें मारता और कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी ज़िंदगी क्या बन गई है। वह भी एक कॉकरोच की तरह है जिसे कोई भी कुचल सकता है। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। बिकम अ सील। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वो संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने जब रिक्वायरमेंट को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद सील को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण लिया कि वह एक करके दिखाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी की पीड़ा और दर्द को प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर वह एक्सरसाइज बाइक चलाने लगा। फिर वह स्विमिंग पूल पर गया और बहादुरी के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वह हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वह जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता था। इसके बावजूद इरादे और जज्बे की वजह से डेविड ने अपने वेट को कम कर लिया और सील की ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीनों की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उनमें डेविड भी एक था। उसने ये असंभव काम कर दिखाया था। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने एक गोल बनाया। उसे रनिंग से प्यार हो गया। वह लंबी दूरी दौड़ लगाने लगा। धीरे धीरे वह अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा और उसने जीत जाता था। इससे उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्तों
और परिवार के लिए बहुत सा पैसा भी जुटाया। द 40% रूल, द 40% रूल, डेविड ने अपने 40 रूल्स के बारे में बताया। इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं। इसी रूल से डेविड्स अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया था। इसलिए जब आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया, फिर भी उठिए और जुट जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। पावर ऑफ योर ब्रेन, डेविड की जीवनी से हमें निम्न बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, बहाना ना बनाएं। डेविड का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। वह इस मुश्किल को बहाना बनाता तो हमेशा गरीब ही रहता, कभी फेमस नहीं होता। इसलिए कभी भी अपनी हालातों और अफसोसों पर विजय प्राप्त ना होने दें, ना ही उनका रोना रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन का महत्व, जो सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तो महान खिलाड़ियाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं और टॉपर पढ़ रहे होते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ होता है। 3, कांट हर्ट मी। डेविड ने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले थे। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूली में बुलिंग, ओबेसिटी, घटिया नौकरी, लेकिन समय के साथ साथ मैच्योरिटी हासिल की और उनके हालातों को सामने झुकने से मना कर दिया। उनने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द, मुश्किलों से को ना बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कांट हर्ट मी, और ज़िंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए, कांट हर्ट मी, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, हारने और झुकने से मना कर दीजिए, मेहनत और लगन से हालात बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की यही किताब हमें यही सिखाती है। निष्कर्ष, दोस्तों, कांट हर्ट मी समरी पढ़कर हमने यही जाना है, हमें ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात आपको कह देना चाहिए, यू कांट हर्ट मी, तुम मुझे तोड़ नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, लोगों, चलिए बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो अपना ज़रूरी फीडबैक हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं और इसी तरीके से मोटिवेट होना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी और प्रेरणादायक बायोग्राफीज, मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू, लव यू एवरीवन। आपका दिन शुभ हो।